हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे मधुबनी पेंटिंग और 12th क्लास के कोर्स ऑफ स्टडी में फोक आर्ट में ये शामिल हो गई है। नया सिलेबस जो 2020 और 21 का जो न्यू सिलेबस है बच्चों आपका, उसमें मधुबनी फोक पेंटिंग आपको प्रैक्टिकल में करनी है। बच्चों, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, ये एक माता सीता के विवाह का उत्सव है, जिसमें सीता जी की विदाई डोली में बनाते हुए, डोली में माता सीता को बैठे हुए दिखाया गया है। और हाईली डेकोरेटेड पेंटिंग है और इसमें बॉर्डर बनाया जाता है। ये बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, और भी अधिक सुंदर सुंदर बॉर्डर इसमें बनाए जा सकते हैं। बच्चों, मधुबनी पेंटिंग जिसकी शुरुआत राजा जनक के द्वारा कराई गई, जब सीता जी का विवाह उत्सव था तो राजा जनक ने अपने पूरे नगर को सजवाया था, जिसमें घर घर स्त्रियों ने अपने अपने घर के बाहर की दीवारों को सजाया था। वहीं से इस कला शैली की शुरुआत हुई। बच्चों, इसको बनाने के लिए दीवार पर अल्पना के रूप में, रंगोली के रूप में, और कपड़े पर और कागज़ पर भी इस कला शैली को बनाया जाता है। इसमें आकृतियाँ बहुत अधिक सरल होती हैं और डेकोरेशन का कार्य बहुत अधिक होता है। बारीक रेखाओं के द्वारा धीरे धीरे ये पेंटिंग पूरी की जाती है और बड़े बड़े रूप में ये कला शैली बनाई जाती है। इस कला शैली को बनाने के लिए वास्तविक तौर पर गाय का गोबर और बबूल के पेड़ का गोंद, ये दोनों आपस में मिलाकर और कॉटन के कपड़े पर छानकर इसका लेप लगाया जाता है। चाहे कपड़े पर बना रहे हैं तब भी ये लेप लगाया जाता है, पेपर पर बनाते हैं तो भी ये लेप लगाया जाता है। और दीवार पर बनाने के लिए इसी मिश्रण में चिकनी मिट्टी मिलाकर एक लेपना तैयार करके दीवार पर किया जाता है। उसके सूखने के बाद फिर ये कला शैली बनाई जाती है। ज़्यादातर तीज त्योहारों पर, विवाह और जन्म के उत्सव पर यह कला शैली बनाई जाती है। बच्चों, मैं दूसरी पेंटिंग आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए, ये बहुत कलरफुल है, हाईली डेकोरेटेड है। इसमें शिव और पार्वती के विवाह को दिखाया गया है। शिव और पार्वती को ब्लू और येलो कलर के स्किन कलर टोन में दिखाया गया है। शिव जी को शेर की खाल पहने हुए दिखाया गया है। इसका बॉर्डर आप देखिए, हाईली डेकोरेटेड है। और फीचर्स देखिए, फोर हेड फ्लैट है, नोज पॉइंटेड है और चिन कर्व्ड बनी हुई है। डेकोरेशन में, ऑर्नामेंट्स में ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का यूज़ किया गया है। छोटी छोटी आकृतियों में बच्चों देखिए, ड्रेस भी बनाई गई है। ड्रेस हाईली डिज़ाइंड है, लहंगा हो या साफ़ी हो, पटका हो, सभी को बहुत डेकोरेट करके बनाया जाता है। और बच्चों, इसमें एक ख़ास चीज़ आप ये देखिए कि कलर करने के बाद फिर प्लेन पट्टियों को बारीक रेखाओं से बनाकर भर दिया जाता है, जिससे कि डेकोरेशन देखने में अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। मैं नेक्स्ट पेंटिंग आपको दिखाती हूँ बच्चों। ये है जब भगवान श्री राम ने एक वन में माता सीता को सर्वप्रथम देखा था। तो जब उनका विवाह उत्सव हुआ था तो उससे पहले का ये दृश्य है, जिसमें सीता जी अपनी सखियों के साथ वन में उपस्थित हैं और वहीं पर भगवान श्री राम ने उनको सर्वप्रथम देखा। तो इस दृश्य को भी हाईली डेकोरेटेड किया गया है। इसमें आप वृक्ष के स्टाइल को मैं जूम करके दिखाती हूँ, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कितना सुंदर वृक्ष बनाया है। लाल रंग के फूल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां हैं, पूरा बैकग्राउंड लताओं से और बेल से युक्त है। साथ में
पिकॉक की शेप भी बनी हुई है, एक पेड़ पर बैठा हुआ पिकॉक भी है। इसमें एक चीज़ आप और नई सीख सकते हैं बच्चों, फोरग्राउंड। ये देखिए, फोरग्राउंड प्लेन नहीं होता है, फोरग्राउंड को कर्व लाइन के द्वारा भी बनाया गया है और उसको भी डेकोरेट किया गया है। नेक्स्ट पेंटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स इस कला शैली में धार्मिक होती हैं और पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं के दृश्य इस कला शैली में अधिकांशतः बने होते हैं। तो ये एक दृश्य है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे थे, तो उन्हें गंगा नदी पार करने के लिए केवट का सहारा लेना पड़ा। तो केवट की नाव में सवार सर्वप्रथम भगवान श्री राम, उनके पीछे माता सीता और उनके पीछे लक्ष्मण आकृति को बनाया गया है, और उनकी मुख मुद्रा के पीछे प्रकाश पुंज भी दिखाई दे रहा है, और उनकी ड्रेसेस कलरफुल हैं, नाव भी अत्यधिक कलरफुल बनाई गई है और छोटी छोटी लाइंस के द्वारा पूरी आकृति को डेकोरेट किया गया है। बच्चों, इसमें आई को बनाने के लिए कर्व लाइन का यूज़ किया जाता है और आई बॉल सर्कल में बनाया जाता है। ऑर्नामेंट्स हाईली डेकोरेटेड किए जाते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। पौराणिक कथाओं में बहुत स्टोरीज हम आपको मिलेंगी, तो स्टोरीज को अपनी कल्पनाओं की इमेज के माध्यम से कलाकार स्वयं चित्रित कर सकता है। इसमें भगवान कृष्ण एक यमुना नदी के किनारे वृक्ष पर बैठे हुए हैं। ये चीर हरण का दृश्य है जब गोपियाँ यमुना नदी में स्नान कर रही थी तो उनके चीर चुरा लिए थे भगवान कृष्ण ने। ये पूरी एक कथा है जिसको मधुबनी कला शैली में कलाकार ने प्रस्तुत किया है, और साथ ही कुछ गोपियों को भी बनाया गया है जो अपने चीर वापस करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पौराणिक कथाओं में बहुत अधिक कथाएं होती हैं। इन कथाओं में से ही एक है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, जिनमें पहला अवतार मत्स्य अवतार का माना जाता है। मत्स्य यानी कि मछली। मछली के पेट में भगवान विष्णु को बनाया गया है। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में बनाए हैं, और एक हाथ में चक्र, एक में गदा, एक में कमल पुष्प पकड़े हुए हैं, एक में अन्य आयुध बनाया गया है। बारीक रेखाओं से बनाई गई है ये कला शैली, हाईली डेकोरेटेड है। बॉर्डर भी इसका बहुत खूबसूरत बना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में है, और सर्कल सर्कल के द्वारा, छोटे छोटे गोलों के द्वारा इसकी आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड बना दिया गया है, और मछली को बैकग्राउंड से इस प्रकार अलग किया गया है। बहुत सुंदर लग रही है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन किया गया है। हाईली डेकोरेटेड कलरफुल पेंटिंग है, और बच्चों इस कला शैली को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे हल्दी, हींगुल और प्राकृतिक पुष्पों को पीसकर यह कला शैली बनाई जाती थी। लाल रंग बबूल की पेड़ की छाल को पीसकर बनाया जाता था। अधिकांशतः रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, कहीं कहीं लाइट टोन देने के लिए पिंक स्काई ब्लू कलर का भी प्रयोग किया जाता है। पत्तियों के द्वारा ग्रीन कलर बनाया जाता था। तो रंगों को भी कलाकारों के द्वारा स्वयं ही तैयार किया जाता था, और प्राकृतिक रूप से ये कला शैली बनाई जाती थी। देखिए, महासुंदरी देवी ये कलाकार हैं, और इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी इतनी सुंदर कलाकृति कर रही हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मधुबनी कला शैली के विकास के लिए मधुबनी कला शैली के विकास के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी उनको दिए गए हैं। मधुबनी मिथिला प्रांत की कला है, और मिथिला का रेलवे स्टेशन
मिथिला के कलाकारों ने अत्यधिक सुंदर रूप से सजाया है। 10,000 स्क्वायर फीट की दीवार को मिथिला के कलाकारों ने चित्रित किया है। ये दूसरी कलाकार हैं मधुबनी कला शैली की, और बड़ी ही कलरफुल पेंटिंग इन्होंने बनाई है। तो बच्चों, इस तरह की आकृतियों के द्वारा आप कोई भी धार्मिक विषय पर, गॉड गॉडेस टॉपिक पर, पौराणिक कथा पर अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और मधुबनी कला शैली में अपनी पेंटिंग को पूरा कर सकते हैं। बेस्ट विशेष स्टूडेंट्स, आई होप यू विल कंटिन्यू एंड फील इजी टू मेक मधुबनी पेंटिंग।